हमारे चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके सब इंजीनियर की जो वैकेंसी निकाली गई थी व्यापम द्वारा, उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी डेट रिलीज़ कर दी गई, जो कि 28 मार्च तय की गई है। अब इसमें क्या क्या मांगा गया उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा वैशाली जी का, जिन्होंने हमारे साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, धन्यवाद आपका। तो हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई हैं। तो 28 मार्च सुबह 11 बजे आपको बुलाया गया मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो कि पर्यावास परिसर भोपाल में, ठीक है, यहाँ पर आपको इजीली आप पहुँच सकते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या क्या मांगा गया, आपकी शैक्षणिक योग्यता 10th 12th, ठीक है, निवास डोमिसाइल, यदि अदर स्टेट के हैं तो वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं, जो वहाँ के हैं अदर स्टेट के, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको जो है बताना है, और प्रमाणित प्रतियाँ इसमें मांगी गई हैं, तो आप इनको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा लीजिए, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखें, रंगीन पासपोर्ट फोटो संलग्न जो शपथ पत्र है उसको आपको नोटरी से करा लेना है, एक टाइप करा लेना है, 100 रुपये का स्टाम्प पर बना लेना है, ठीक है। तो वहीं जिला मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और पत्र के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन, जो चरित्र सत्यापन है अनुप्रमाण प्रमाण पत्र में ही लगाया गया, जिसको आप गजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। 100 रुपये के शपथ पत्र पर नोटरी सील एवं हस्ताक्षर सेट, जो कि आपका शपथ पत्र ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जो शपथ पत्र है वही है। और इसके अनुसार आप देख सकते हैं, और नीचे हम देख लेते हैं, तो ये सभी कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। ये अनुप्रमाण फॉर्म का फॉर्मेट है, जो कि पहले से ही हमने शेयर कर दिया था, ठीक है, इसे आप भर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और ओल्ड वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि डिटेल में बताया गया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आपको वेरीफाई कराना रहेगा, ये इसको गजेटेड ऑफिसर के आपके साइन रहेंगे, कार्यालय द्वारा भरा जाए उसके ऊपर, ठीक है। और किन किन लोगों के द्वारा ये सत्यापित किया जा सकता है, तो ये मेंशन है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो भी कर सकते हैं, जो पीएससी से हैं वो कर सकते हैं, या प्रमोशन से जो गजेटेड ऑफिसर बने हुए हैं उनसे भी आप करवा सकते हैं। तो दो इसमें दिए गए हैं, तो दोनों पेज कराने हैं, इसका भी ध्यान रखिए। और ये आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवा लेना है। इसका फॉर्मेट भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है कि किस प्रकार से ये रहता है, साइड में फ़ोटो रहता है, नोटरी होती है, अटेस्टेड होता है, 100 रुपये का स्टाम्प किस प्रकार से लगाया जाता है, ये सभी पॉइंट आपको अपने जो है वेरीफिकेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, अरेंज कर लेना, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको मेंशन कर देना है, क्योंकि अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम देख रहे हैं, उनमें अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, तो जो जिस विभाग में जैसा मांगा गया है आपको वैसा ही लगाना है। तो ये थी पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। और भी जो डिपार्टमेंट हैं आप उनकी जानकारी पूछ रहे हैं, जैसे RES वगैरह है, तो उसमें असिस्टेंट इंजीनियर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होने वाला है, तो आपका भी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाएगा। और PHE डिपार्टमेंट में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का प्रयास किया था, लेकिन उनका कोई ऐसा पॉजिटिव रेस्पॉन्स अभी तक नहीं मिला है, तो इस कारण से बताने में हम असमर्थ हैं। धन्यवाद दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।